इसका फॉर्मेट देखा था, आज अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आज अपन नॉर्मल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमको दिया हुआ है द कोरबा कोल कंपनी, मतलब कोयले से रिलेटेड इसलिए क्या हो गया, कोल कंपनी कहलाएगी। बोलता है द कोरबा कोल कंपनी कंसाइन टू भोपाल कोल स्टोर, मतलब कंपनी जो हो जाएगी, कंसाइनर हो जाएगा हमारा कोरबा हो जाएगा, और जो एजेंट वो हो जाएगा भोपाल। बोलता है कि उसने गुड्स भेजा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ये हमको दिया कितना है 100 टन्स इनटू, इसका रेट दिया हुआ है 120 रुपीस पर टन, मतलब ये हो गया हमारा 12,000 रुपीस। इसके अलावा इसमें जो भी कोरबा कोल कंपनी ने खर्चे किए, विद द रिगार्ड टू द कंसाइनमेंट द कोरबा कोल कंपनी पेड 600 फॉर इंश्योरेंस एंड 1300 एज फ्रेट। ये हमारे क्या हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हमको कैश के नाम से लिखना है। ये हमारे कितने कितने हो गए, इंश्योरेंस हो गया 600 और फ्रेट का अमाउंट जो है वो हो गया हमारा 1300। तो टोटल जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए वो हमारे हो गए 1900। इसके आगे बोलता है भोपाल कोल स्टोर्स पेड 200 फॉर कार्टेज, मतलब इसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया हुआ है एजेंट ने कार्टेज का 200 रुपीज। इसके बाद बोलता है एंड 300 एज पर गोदाम रेंट, जैसे ही गोदाम रेंट हो जाता है वहाँ से एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट जो हो गया हमारा वो हो गया 300। इसके अलावा होता है दे डिस्पोज ऑफ 76 टन ऑफ कॉल फॉर रुपीज 14,200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सोल्ड, जो सोल्ड करेगा वो हमेशा एजेंट ही करेगा, 14,200 रुपीज में सोल्ड किया गया 76 टन। इसके बाद बोलता क्या है एंड देयर रिमाइंड 19 टन्स ऑफ कोल विद द डैम, उसके पास अभी बचा कितना है 19 टन्स बचा हुआ। दे रेंडर्ड एज अकाउंट सेल्स शोइंग देयर द रिमिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन। उसके बाद इसमें होता है 5% कमीशन है 14,200 का 5% 710। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसमें हमको स्टॉक निकालना होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। तो टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी, टोटल क्वांटिटी 100, उसमें से हमने सोल्ड कर दिया 76, तो बचा हमारे पास कितना 24। लेकिन बोलता है कि जो अनसोल्ड स्टॉक है वो हमारा 19 है, 5 टन्स क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने कल फॉर्मूला बताया हुआ था, गुड्स एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस एजेंट, ये कंपनी का हो जाएगा, ये एजेंट, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस इनटू अनसोल्ड स्टॉक जो माल नहीं बिका। तो गुड्स एंड हमारा कितना हो गया 12,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी का 1900, एजेंट का 200, टोटल क्वांटिटी 100, नॉर्मल लॉस 5, जो नहीं बिका वो 1900। इससे जो हमारा आंसर निकल के जाएगा सॉल्व करेंगे तो 2820, ये हमारा क्या निकला क्लोजिंग स्टॉक 2820। इसके टोटल से इसको माइनस करेंगे जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको और इसको टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 17020 और बैलेंस निकालेंगे ये जाएगा 1910। ये हमारा क्या निकला क्लोजिंग स्टॉक का आंसर, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका कहलाएगा नॉर्मल लॉस का।